हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज मैं आपको 13वां लेसन दे रही हूँ, जिसका टॉपिक है संगीत। देखिए बच्चों, संगीत टॉपिक पर आज मैं आपको बताऊंगी कि संगीत का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है संगीत की, गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। गायन कोई भी गाना गाना, वादन किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाना तथा नृत्य अर्थात नाचना। गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। बच्चों, ये तीनों ही अलग अलग कलाएं हैं और जब ये तीनों कलाएं सम्मिलित रूप में मिल जाती हैं तो उनको हम संगीत कहते हैं और अलग अलग भी इन्हें हम संगीत के नाम से ही पुकारते हैं। ये देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये गायन करती हुई पिक्चर, एक लेडी गायन कर रही है, कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं और ये डांस का यानी गायन, वादन और नृत्य। ये पिक्चर देख कर आप समझ जाएंगे काफ़ी हद तक कि संगीत किसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाया कि गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत गायन में स्वरों का महत्व, संगीत गायन में स्वरों का क्या महत्व है, आइए अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। संगीत में 7 शुद्ध व 5 विकृत स्वर माने गए हैं। सारे गामा पाधा नी, इन स्वरों के पूरे नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद हैं। बच्चों, जब हम गाना गाते हैं तो इन स्वरों के हम पूरे नाम प्रयोग में नहीं लेते हैं। जैसे आपका नाम कुछ और होता है और घर पर आपका निकनेम कुछ और होता है, ऐसा होता है ना, इसी तरीके से हम जब गाना गाते हैं तो इन स्वरों के शॉर्ट फॉर्म या छोटे रूप को हम प्रयोग करते हैं। जैसे षडज का सा, ऋषभ का रे, गंधार का गा, मध्यम का मा, पंचम का पा, धैवत का धा और निषाद का नी। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला अक्षर जो है वो हम प्रयोग में ले रहे हैं और पूरे नाम को हम प्रयोग में नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार जो ये 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नी, इनके पूरे नाम हुए षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद। और गाने में प्रयोग करते हैं हम सारे गामा पाधा नी, इनके शॉर्ट फॉर्म या इनके जो पूरे नाम हैं हम ये कह सकते हैं कि उनका पहला अक्षर हम प्रयोग में लाते हैं। अब ये देखिए बच्चों, विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत तथा तीव्र विकृत। अब जो कोमल विकृत होते हैं वो होते हैं रेगा धानी स्वर, कोमल विकृत स्वरों के अंतर्गत आते हैं, तथा मा तीव्र विकृत स्वर कहलाता है। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। रेगा धानी स्वर कोमल विकृत स्वर के अंतर्गत आते हैं और मा तीव्र विकृत स्वर कहलाता है। सा और पा ये 2 अचल स्वर कहलाते हैं। अचल स्वर का मतलब होता है बच्चों जो अपने ही स्थान पर टिके हुए रहते हैं, यानी सा और पा स्वर ऐसे हैं, ये ना तो अपनी जगह से ऊपर की ओर जाते हैं और ना तो नीचे की ओर जाते हैं, ना कभी अपनी जगह से उतरते हैं और ना चढ़ते हैं, मतलब ये कभी भी विकृत नहीं होते, इसीलिए इन्हें अचल स्वर कहते हैं। सा और पा अचल स्वर माने गए हैं क्योंकि अपनी जगह पर कायम रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बाकी 5 स्वरों के 2-2 रूप कर दिए गए हैं। 5 स्वर कौन से? रेखा धानी कोमल और मा तीव्र। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह से हटते हैं, हटते हैं मतलब या तो ऊपर की तरफ हटते हैं या तो नीचे की तरफ हटते हैं, इसलिए इन्हें कोमल स्वर और विकृत स्वर के नामों से पुकारा जाता है। किसी स्वर की नियमित आवाज़ को नीचे उतारने पर वो कोमल स्वर कहलाता है और कोई स्वर अपनी नियमित आवाज़ से ऊंचा जाने पर तीव्र स्वर कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, कोमल स्वर
कोमल का मतलब कि कोई स्वर अपनी नियत आवाज से नीचे की ओर हट रहा है, और तीव्र स्वर का मतलब कोई स्वर अपनी नियत आवाज से नियमित आवाज से ऊपर की ओर हट रहा है। अब रेगा धानी ये चारों स्वर जब अपनी जगह से नीचे हटते हैं तो इन्हें ये कोमल स्वर बन जाते हैं, हम इन्हें कोमल स्वर के नाम से पुकारते हैं, और जब इन्हें वापस अपने नियत स्थान पर पहुंचा दिया जाता है तो ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इसी प्रकार मध्यम यानी मा जब अपने नियत स्थान से हटता है तो वो नीचे नहीं जाता क्योंकि उसका नियत स्थान पहले से ही नीचा है, अर्थात मा स्वर जब हटेगा यानी विकृत होगा तो वो ऊंचा जाकर तीव्र कहलाएगा। गायकों की साधारण बोलचाल की भाषा में कोमल स्वर को उतरे हुए स्वर तथा तीव्र स्वर को चढ़े स्वर भी कहते हैं। सात शुद्ध पांच विकृत सब मिलाकर 12 स्वर हुए जिनका प्रयोग गायन में किया जाता है। सात शुद्ध सारे गामा पा धा नी, पांच विकृत रेगा धानी कोमल और मा तीव्र जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। बच्चों अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इसी पर मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें आपको हल करना है, जिनका उत्तर आपको देना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है संगीत किसे कहते हैं, दूसरा है संगीत गायन में कितने स्वर होते हैं, तीसरा है संगीत में शुद्ध स्वर कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं, चौथा है संगीत में विकृत स्वर कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं, पांचवा प्रश्न है संगीत में अचल स्वर कितने होते हैं और उनका नाम लिखिए, छठवां है कोमल स्वर तथा तीव्र स्वर का क्या अर्थ होता है, सातवां है शुद्ध स्वर किसे कहते हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो अभी मैंने पीछे जितना भी आपको समझाया संगीत के बारे में उसमें उसका आपको उत्तर मिल जाएगा, कहीं और आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ बच्चों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संगीत किसे कहते हैं। इसे काफ़ी अच्छे से और ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप संगीत सीखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि संगीत का क्या अर्थ होता है और संगीत किसे कहते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।